कहेगा जब कैलू ज्योति अब भूल गैलू भतार हो गजब कई। अरे देखू तो लम्मा लम्मा बदलू डोली में गहिन डोली में आइन कि आलोक मौर्या से कैले न भेट अपने भैया के संग भौजी रे और नैहर रस फुलाई के अइलिन। सुर्खियों में चल रही एसडीएम ज्योति मौर्या का वीडियो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी ये तेजी से काफ़ी तेजी से वायरल चल रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्या उनके पति लगातार रोकर शासन से प्रशासन से न्याय की पुकार लगा रहे हैं, और यही सब जानने के लिए हमारे साथ आप देख सकते हैं ये निरहू जी हैं। ये वही निरहू जी हैं जो 5 किलो राशन का गाना गाकर ये रातों रात वायरल हो गए। इनका गाना मिलियन मिलियन में भी गया, और इनसे अभी हम जानने का प्रयास करेंगे और बातें भी करेंगे। ये सर्वप्रथम हमारे चैनल पे स्वागत है भैया, आपके चैनल पे स्वागत बा। और श्रोता जितना बड़े भैया लोग हमारे देखते हुए सब भैया से बंधनी पैलगी बा नमन बा। और बड़े भैया अच्छी तरह तू जानते बा है कि आज के दुनिया इतना खराब हुई बा, कहाँ कि कलयुग लग गबा। एक कलयुग में कि जवन चीज लोग सोचत ना है वो चीज हो जात बा, तो उही में आदमी एकदम भरम पड़ जात बा है। इतनी बात वो ना कैले होतीन और इतना चर्चा ना उनकर आगे बढ़त और ना कोनो मतलब ऐसा मतलब था उड़त। और चारों ओर जब देखे जेकर मोबाइल खुलत हो तो बस उन्ही के मौर्या जी के इंटरनेट चालू करता है, जैसे ही चालू करता है वैसे ही एसडीएम ज्योति मौर्या डालते ही तमाम वीडियो उनके वायरल होते रहते हैं और दिखने भी लगता है। एसडीएम ज्योति मौर्या अगर कोई सर्च मारता है तो सर्च मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्राउजर पे पहले से ही शो कर रहा है। इतनी काफ़ी तेजी से वायरल चल रहा है। उत्तर प्रदेश जिले की जो एसडीएम ज्योति मौर्या जी रहने वाली हैं, और आपको बता दूं कि उनका घर यही वाराणसी जिले में है, और उनके पति आलोक मौर्या जी से 2010 में उनकी शादी होती है, और शादी होने के बाद उनका परिवार अच्छा खासा चलता है। उनके पति लगा उनको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना देते हैं कि एसडीएम बन जाती हैं। एसडीएम बनने के बाद कुछ समय के बाद अपने पति से विरोध जताते हुए लगातार उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई आलोक मौर्या के ऊपर मुकदमा भी दायर कर चुकी है मानहानि का या और दहेज उत्पीड़न का। और उसी सब संदर्भ में ये निरहू जी हैं, हम इनसे बातें करेंगे। ये निरहुआ जी हैं, आप पहचान सकते हैं, ये वही निरहुआ जी हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये निरहुआ जी हैं, आप देख सकते हैं कि जो योगी और मोदी को घेरे में लेकर 5 किलो राशन का गाना गाकर ये रातों रात वायरल हो गए थे। ये बताइए जैसे कि ज्योति जी क्या ये सही इंसान है या गलत है, क्योंकि इनकी अपने पति से इस कदर जो दुश्मनी कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं कतई ना कतई ना। बड़े भैया सुने के तब बहुत बहुत से चीज़ मिले था, मीडिया वाले भैया लोग जब पहुँचत बा हैं तो यहाँ ये अब होत बा कि ज्योति मौर्या जो है एकरे पहले ना समझे रही कि जब उनके वो चाहते ना रहें या था में वो मांगत हैं दहेज प्रथम में लगावत हैं तो दूठ लड़कियाँ अब कैसे भयने के बतावे। कहते हैं कि जब ज्योति मौर्या जी का घर जहाँ है वाराणसी में, उनके पिताजी इस काबिल नहीं है आज भी कि वो इतना दहेज देकर इनकी शादी कर पाते हैं। 5,000 रुपये दहेज दिए थे, उसी से इनकी शादी हो गई थी। और ये कहा कि अभी ज्योति मौर्या जी कह रहे हैं कि हमारे पिताजी जमींदार हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, ये गलती से धोखे से हमारी शादी हो गई है। चलिए गलती से हो गई है, हम भी मान लेते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर आपके पिताजी ने उस पति के साथ आपका ब्याह कर दिया शादी कर दिए हैं तो 10 साल आप उस पति के साथ रहती हैं, 2 बच्चे भी पैदा कर लेती हैं, उसके बाद क्यों जाके उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं? कतई ना वह हाल बात है कि बजे पे लोग बहुत चीज सोचे थे कि सोचें कि अब ये घटना में तो हम बजे गए हैं, अपने हाथे खुदे अपन टंगारी को काट लेन है, तो सोची ना कि हम बड़ा है तो अपने से बड़ा हम हेरी तो जो ने हमारा नाम हो, और नहीं तो लोग ये कह अरे तो दुल्हवा जो हुए इनका भतरा सफाई करनी में हो तो हमारे बदनामी हुए। अरे ओकरे पहले ओके बदनामी ना सोचे रहू, ओकरे पहले तू वैसा रही तो तू सफाई करने के संगे तो और ब्याह नहीं होते पहली बात, और ओकरे पहले तो तू 0845 रहू जी। हाँ जी, तो अब तू जो हुआ जे मतलब तुम्हें तो उठा समझत रहू, वही आदमी जो हुआ अपने के ना सोचे कि वही पढ़े लिखे होते
डीएम एसडीएम सब कुछ वो बन सकत रहन जी, ठीक जी। लेकिन वो सोचे कि हम वही लायक ना है, हम पाई गए छोट मोट अपन नौकरी करत है, लेकिन कम कम से हमारे मैडम जी जब हो जब चाहत हैं तो नहीं हो जाए। अब ये ज्योति मौर्य जी का ये भी कहना है कि जब बहुत पहले जब ये 2016 में इनकी नियुक्ति होती है एसडीएम पद के लिए, तो ये कहती हैं इसमें हमारे पति का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। क्योंकि हमारे पति जी दिन रात मेहनत करके पैसा कर्जा लेके क्या कर करके हमको पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिए कि मैं एसडीएम बन के बड़े लहजे पे बड़े पद पे बैठ चुकी हूँ। और आज वही ज्योति जी जो एसडीएम ज्योति जी है ये लगातार कह रहे हैं कि नहीं हमारे पति गलत हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भांगी की औलाद है। हाँ। ये है तेरे पास ही पैसा नहीं है, तमाम ऐसे वीडियो ऐसे जारी हुए हैं कि जिसमें ज्योति जी साफ साफ गाली देते हुए नजर आई हैं। क्या ऐसी पत्नियों को पनाह देना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बड़का भैया हम तो यही कहा कि रड़ुआ रहे जन्म भर लेकिन मतलबी यार न मिले जी, और ऐसा मेहरारू गद्दार न मिले जी। पहली बात चाहे कुछ हो जाए तो ये के खातिर कहल गई बा, अरे गजब कैलू ज्योति, अरे की गजब कैलू ज्योति हो, कहीं गजब कैलू ज्योति अब भूल गैलू भतार हो, गजब कैलू ज्योति तब भूल गैलू भतार हो, गजब कैलू ज्योति, अरे देखो तोहू लम्मा लम्मा, अरे देखो तोहू लम्मा लम्मा बदलू विचार हो, गजब कैलू ज्योति अब भूल गैलू भतार हो, गजब कैलू ज्योति। तो भतार ना जाइए सोचना अब कि भतारे से मजा नहीं खे मिलल, अब ऐसा भतार पाई कि धनव से धर्मों से सब कुछ से हम आजाद रही। लेकिन जहाँ बाबा योगी जी का हाथ बटबे किया न तो कहा बा न कि गैया तो गैया जाए लेकिन चार हाथ पगहा लेके जाए। तो बस बड़का भैया हम यही कहे चाहे थे कि ऐसा मेहरारू के कि हम इतने कही था कि लोग पहले के बूढ़े का चाचा पहले के बूढ़े कहें कि महरारून के नकुरा न रहे तो हाँ बात सजा, तो बात तो सही निकला कि ना निकला। लेकिन एक बात और सुन ले जाए भाई कि इतना बड़ा दुनिया बाट है, इतने बड़े दुनिया में लोग देखा अपने अपने मेहरारू के पढ़ावत हैं लिखावत हैं, हैं सोचत बहन कि हम कहाँ से कहाँ बना दे कि हमार परिवार हमार घर हमार बच्चा मतलब पूरा परिवार चले। लेकिन ओनाही के देख देख के कितना लोग बेचारे हाथ पकड़ के अपने मेहरारू के लिए घेर रावत हैं कि भैया तू चला रहे दे पढ़े के हमें या उठाए चाप ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आलोक मौर्य जी मीडिया के सामने रो रहे हैं बिलख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमारी दो बच्चियां हैं उनसे हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं और ज्योति जो एसडीएम जी हैं ये उन्हें मिलने नहीं दे रही हैं, क्या ज्योति जी पहले से बच्चा लेकर आई थी क्या? हमें लागत बात हुआ कि डोली में गईन डोली में आईन कि अपने भैया से कैली ना भेट, ये निरहुआ के कहे के मतलब बा, अरे डोली में गईन डोली में आईन कि आलोक मौर्या से कैली ना भेट, अपने भैया के संग माजा उड़ैलिन और नैहर में बन गईन से हमारी भौजी रे, और नैहर से फुलाई के अलिन पेटा हमारी भौजी हो, बारे भौजी 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 भैया भैया सब कहे लेकिन भौजी नहीं न कहे कोई, और प्रेम से जब भौजी कहब कैलिस तो काहे अलगौ जी होई। तो बड़का भैया हो कैसे भौजी कहबा, भौजी तो पूरा धन धर्मों कुल गायब कर दिए। अगर ज्योति जी जो प्रेम प्रसंग रास लीला रचा रही हैं दूसरे मर्द के साथ जिस पद पर वो बैठी हैं एसडीएम पद पे, और वहीं दूसरी ओर जो मनीष दुबे हैं जो भी अधिकारी कह सकते हैं जो भी कमांडेड अधिकारी हैं वो भी बड़े लहजे पे हैं उनसे उनका प्रेम प्रसंग भी चल रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहिएगा कि ऐसे लोग जो पद पर बैठ के गलत तरीके से गलत कार्य का निर्वहन कर रहे हैं और गलत समाज में भी गलत संदेश दे रहे हैं, ये लोगों की क्या समस्याएं सुन पाएंगे और समस्या हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कि देखे बड़का भाई हो हम तो यही कहा कि इनके आलोक मौर्य के जैसे वो सतावत हैं, आलोक मौर्य जहाँ जहाँ बेचारू जौन जौन सोचे वहीं अपने दिल में उतना उत्साह उनके रहा हुए कि आज हम यही उत्साह से हम इतने बड़े पदवी पे अपने औरत के हम ले गए तो अब हमार जान ला कि बदल के कहानी। लेकिन उनकर आत्मा
उनकर औरत ऐसा तोड़ दीन ऐसा तोड़ दीन तो बेचारे उनके रात के रात दिन के दिन एक होइगे होए बाबू। हम जानते हैं जेकरे ऊपर परे भैया ना वही हाल जाने, लेकिन ऐसा उनके करे ना चाहत रहल जी। ई तो हम कहा भाई सब भैया से कहा बड़का भैया कि तालाब में एक मछली गंदी होगी, इनका कुल मछली गंदी ना होती। और सब बड़े भैया जैसे पढ़ावत लिखावत है अपन परिवार और अपन जो ना हुआ औरत चाहे क्यों भी हो, लेकिन वैसे प्यार दुलार जैसे पढ़ावा था वैसे प्यार दुलार दे। और उनकर कहानी सुन के इजीन कहा कि नहीं ऐसे हमारा परिवार हमारे संगे करे लागे, ये गलत बात हो गई। आज जिस तरीके से आप कह रहे हैं, यही दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि 135 पत्नियों को उसके पतियों ने इलाहाबाद से घर बुला लिया, जो तैयारियां कर रही थी कि वो भी IAS की तैयारी कर रही थी, PCS की तैयारी कर रही थी, दरोगा की तैयारी कर रही थी, तमाम ऐसी तैयारियां होती है जो अधिकारी लेवल की होती है। उनके पतियों ने ये डर से वापिस घर बुला लिया कि कहीं हमारी पत्नियों को एक मनीष ना मिल जाए, एक मनीष मिल जाए कहीं ना कहीं ये भी उसके साथ रंग रलिए मनाने लगी और रासलीला भी मनाने लगी, उनके साथ चली जाए तो हमारे बच्चे हमारे परिवार हमारे गांव देश समाज का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है भाई, लेकिन गलत बात है। हम तो कहत भाई कि भैया हो कि उनका कहानी है दूसरवा, वो यही सोच लीन कि हमार जवन हुआ है कि इतना बड़ा पदवी बा, हमार नाम बाटे, इतना हम रुपया कमाई लगे, उनके हो गया घमंड। पहली बात घमंड हो गया, और दूसरी बात है जो जैसे मतलब वो पटी गई, जैसे उनका संबंध मतलब कहानी बन गया चम्मक किना चफानी गई, तो वो सोचें कि हम बड़े लेवल पे हम भाई, तो बड़े लेवल पे हमार आदमी भी रहे तब ठीक बा। लड़की अपन जो लड़की है ना, अपन पति के अपन घर दुआर नात रिश्तेदार नैहर सब विसर की, लेकिन ओपे पहुंच गए। एक खातिर हम एक कई बात कहा लास्ट में, समय ना है मऊ जावे कॉमेडी शूट करे विदा, यही बात के हम कहे जावे भैया कि शोर भइल बाटे पूरा संसार में, किशोर भइल बाटे पूरा संसार में, ज्योति फांस गई दूसरे भतार से, ज्योति फांस गई दूसरे भतार से, तलिक मानवा में करे ना विचार के, तलिक सोचे ना है मन में विचार के, ज्योति फांस गई दूसरे भतार से। बस भैया फिलहाल आप देख सकते हैं ये निरहू जी हैं, इनसे अभी हमने बात की और ये ज्योति जी और आलोक मौर्य को लेकर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि समाज में ये ज्योति जी गलत संदेश दे रही हैं। और जिस तरीके से मनीष दुबे जो हैं, जो ज्योति मौर्य से संबंध में अभी आए हुए हैं, उनका चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है, देश के कोने में बैठा हर वो शख्स आज जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर इनकी लव स्टोरी के पीछे का राज क्या है। जिस तरीके से SDM बनते ही मनीष दुबे के प्रेम संग में फंस कर ये अपने पति अपने बेटे अपने गांव देश समाज को छोड़ करके ये कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से अपने कार्य को निर्वहन कर रही हैं। फिलहाल ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम निवेदन करेंगे कि ये जांच का विषय है, अगर जांच कर ये उचित कार्रवाई करें, जो इसमें आरोपी हो उसके लिए एक उचित कार्रवाई करें और एक टीम गठित करें जिससे जाँच हो सके, सही प्रक्रिया सही तरीके से जाँच हो। और मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।